तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए नए टॉपिक के साथ मैं आता हूं, आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे किस तरह सैंड को क्लीन करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब सैंड आप कोई एक्वेरियम में रखते हो तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो सर्च करते रहते हैं कि सैंड को किस तरह क्लीन करते हैं। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे फिशेस को निकाले बगैर किस तरह हम सैंड को क्लीन करते हैं और फिशेस की पोटी जो जमी रहती है, नीचे पोटी बैठी रहती है, उसको किस तरह क्लीन करते हैं। क्योंकि अभी टैंक फुल बड़ा होता है, पूरा पानी आप बाहर निकल कर फिर सैंड निकल कर क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह गंदगी लगी रहती है। तो सैंड की अगर ग्रेवल है तो आप हाथ से निकाल कर कैसा भी वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन सैंड का क्या है प्रॉब्लम, सैंड जब आप पाइप इस्तेमाल करते हो तो सारा सैंड जो है पानी के जरिए में बाहर आ जाता है। तो इसको किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसा ये प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बात, आपको सैंड क्लीन करने से पहले चलिए मैं बगैर टाइम वेस्ट किए आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ किस तरह सैंड क्लीन करना है। सबसे पहले आपको एक वैक्यूम पाइप जो आता है वो ले लें। अगर आपके पास वैक्यूम पाइप नहीं है तो नॉर्मल पाइप जो आता है वो बना सकते हैं ये, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो कोई भी आप पाइप इस तरह का ले लें। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले एक बाल्टी ले लें क्लीन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिशेस की गंदगी जमी हुई है। हालांकि पानी में 3-4 दिन पहले ही क्लीन किया था, लेकिन ये फिशेस की पोटी जो बची रह जाती है, क्योंकि अगर ग्रेवल साफ़ करने जाओगे तो पूरा सैंड जो है आपके टैंक में से आ जाएगा। इसलिए इसको किस तरह निकालते हैं, क्योंकि पानी पूरा चेंज नहीं करना है आपको, ग्रेवल भी नहीं निकालना है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या आपको नहीं निकालना है, क्या आपको निकाल के तो फिशेस जम करेगी। जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार भी वीडियो में, बाल्टी ले ले, बाल्टी लेकर आपका जो भी पाइप है उस पाइप को वहां पर ले ले। अभी इसको बाहर से सक करना है हल्के से, देखिए इस तरह। अभी देखिए किस तरह पूरी जितनी भी गंदगी है वो इस तरह निकाला। थोड़ी बहुत सैंड जो है वो आ जाएगी, टेंशन ना ले। जो सैंड आएगी ना फिर उसको वॉश करके आप दोबारा डाल सकते हैं। ये कितनी सारी गंदगी यहाँ पर आ रही है टैंक का जो है, ये फिल्टर इसको सक नहीं कर पा रहा है। अब चाहे तो शेक भी कर सकते हैं इसके, इस तरह गंदगी बाहर लाने के लिए शेक करेंगे तो और भी ऊपर आएगी। देखिए पूरा इस तरह निकल जाएगा, इस तरह शेक करेंगे तो जो गंदगी फंसी हुई है वो निकल जाएगी, उसको आराम से आप निकाल सकते हो। तो कितनी गंदगी इसके अंदर आ चुकी है, इस तरह आप सारी गंदगी जो है निकाल सकते हो। और थोड़ी बहुत आपको सैंड आ सकती है जब पाइप में आप बाहर निकालते हो, तो मुश्किल नहीं, आप निकाल लो जितना गंदगी निकाल कर और साफ़ कर लो, और जो रेत बची हुई सॉइल जो आ जाती है उसको क्लीन करके दोबारा वापस डाल सकते हैं। बस इतना ही है, आपको आराम से इस तरह क्लीन कर सकते हैं जो फिशेस की पोटी है, गंदगी है, या फिशेस के नीचे कुछ भी जाकर फंसा हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवल में भी इसी तरह करना है आपको वैक्यूम पाइप इस्तेमाल करके। अगर आपके पास नॉर्मल सैंड टैंक है तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल सैंड का यही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी बढ़िया लगती है, लेकिन बाद में जा कर ये पानी को बहुत जल्दी गंदा कर देती है। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल्ड फिश के लिए अगर बात करें तो ग्रेवल बेस्ट है या सैंड बेस्ट है, तो ग्रेवल बहुत बेस्ट है, क्योंकि सैंड मैं तकरीबन 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रेवल में इतनी गंदा का पानी जो है, स्मॉल टैनिस किसे कहते हैं, जो पानी के स्मॉल पार्टिकल जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी सैंड में हुआ करते हैं। कितना भी आप पानी साफ़ कर लो, कितना भी आप ग्रेवल साफ़ कर लो, वो बाकी रहेगी ही। हाँ, अगर अच्छा क्वालिटी फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक बस यही था। अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल बटन, क्योंकि हर एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले, जैसे कि फ्लोवान है, आरोना है, और इस तरह के जो ब्रीडिंग फिशेस के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, आपको टर्टल्स के ऊपर इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, करने के बाद बेल बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हर 2 दिन में हर 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाबा खुदा हाफिज़, रेकाल, गुड बाय, नमस्ते।